जिस मस्जिद के अंदर इंडोनेशिया से आए हैं उनके बारे में। ये थाना नगीना की अंतर्गत जानकारी हुई थी, कल शाम में जानकारी हुई थी कि कुछ जो है विदेशी जो लोग हैं जो कि थाना नगीना की जामन वाली मस्जिद रुके हुए हैं, जानकारी तुरंत डलाई और पुलिस से सक्रिय किया गया, वहाँ से जानकारी की गई तो ये पता लगा है कि जो दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसी में कई विदेशी थे, जिसमें कि ये भी 8 व्यक्ति थे जो कि दिल्ली में रुके हैं। और ये लोग पहले बांग्लादेश होते बांग्लादेश आए, बांग्लादेश के बाद दिल्ली, यहाँ उसके बाद उड़ीसा होते हुए 21 तारीख को यहाँ पर आ गए थे नगीना में जामुन वाली मस्जिद में रुके रहे। तबलीगी जमात के लोग हैं, इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, इनके साथ एक ट्रांसलेटर है जो कि इनकी लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहा है। जानकारी पर इन लोगों द्वारा इस ऐसे महामारी के समय में धारा 144 में लगी इनके द्वारा सूचना नहीं दी गई, इस कारण वो उनके मुफ्ती मौलवी और मस्जिद के 3 सदस्य और ट्रांसलेटर क्लब जो है एकेडमिक एक्ट की धारा 3 और 268, 269, 270 IPC और 188 IPC के तहत मुकदमे पंजीकृत किया गया है। जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया गया, उनका मेडिकल करा दिया गया है, बाकी डिटेल मेडिकल के लिए आज और एक टीम भेजी जा रही, मस्जिद को सैनिटाइज किया जा रहा है, इन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया गया, 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे।